तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा खासा विन भी कर रहे होंगे। तो भाई लोग, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल ड्रीम टीम्स में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन का जो तीसरा और चौथा मुकाबला होने वाला है माल्टा टिटन का MSW वर्सेस VLS के बीच में। इस वीडियो में आपको इस मैच के रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें अच्छे से समझाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग में कौन होने वाले हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी, कुछ बेस्ट ऑप्शन प्लस कौन होने वाले हैं इस मैच के सुपर ट्रंप कार्ड पिक्स, जिनको शायद ही कोई ओपोनेंट्स आपकी टीम में मतलब अपनी टीम में लेकर आए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो में आखिर तक बने रहना आप सभी लिए काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल साबित हो सकता है। 100% आपका प्रॉफिट होगा, बस आपको वीडियो में आखिर तक बने रहना है। अब देखो, नॉलेज तो मैं आपको फ्री में दे ही रहा हूँ, प्लस इस वीडियो में भी आप सभी के लिए 200 रुपीज़ का बिल्कुल फ्री गिव अवे है, जिसके लिए बस आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो के बीच में मैंने आपसे सिर्फ दो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है इसी मैच के रिलेटेड, जिसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, और जिसका भी उन दोनों क्वेश्चंस का सही आंसर होगा वो बंदा बिल्कुल फ्री में 200 रुपीज़ विन कर जाएगा। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो में बिल्कुल आखिर तक बने रहें। बाकी देखो भाई, हम फाइनल टीम और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे मैचेस की फाइनल टीम हम आपको यहीं पर प्रोवाइड करते हैं। कल लगभग हमने 6-7 मैचेस कवर किए और सिंगल मैच भी हमारा लॉस नहीं रहा। बहुत ही ज़बरदस्त मेंबर ने जो है विनिंग की, कुछ फीडबैक्स भी आप लोग जो है यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा बैक टू बैक हमने जो है क्लीन स्वीप किया, और सबसे अच्छी बात फोर्थ टिटन में हमने मीनिंग रैली तक विन की 222 मेंबर्स में #1 रैंक, और ये जो टीम थी ना सेम स्मॉली की टीम थी, ठीक है। और सारे मेंबर्स का विनिंग रियल भी आप लोग देख सकते हो। बाकी देखो, मैच स्टार्ट होने से पहले जो बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर आता है ना, सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके अलावा गिवअवे के जो विनर्स होते हैं उन सबका अनाउंसमेंट भी टेलीग्राम पर ही होता है, तो सभी लोग फटाफट आकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो। ऑलरेडी 21,000 से भी ज़्यादा लोग हमारे फैमिली में जुड़े हुए हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से आकर ज्वाइन कर लेना है। तो देखो भाई लोग, मैं आ चुका हूँ ड्रीम इलेवन पर, बात कर लेते हैं आज के मैच की टीम की। बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन से। यहाँ से आपको सबसे पहले दो तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, पहले आर दानिश, दूसरा ऐसे पी पुष्परंजन, ठीक है। बाकी देखो, इन दोनों में से आपके लिए सबसे पहला पिक होना चाहिए स्मॉल लीग में आर दानिश। आर दानिश एक अच्छा बैट्समैन है, आपको विकेट कीपिंग प्लस ओपनिंग का एडवांटेज देता है। पी पुष्परंजन थोड़ा नीचे आएगा, प्लस ज़्यादा अच्छा बैट्समैन भी नहीं है आर दानिश के कंपेरिजन में, इसीलिए आप लोग इसको ग्रैंड लिस्ट में ट्राई करना। उसके अलावा यहाँ से कोई खेलेगा नहीं, खेल गया स्टैट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। बैटिंग सेक्शन की बात करूँ, डी कुमार सबसे पहले आपका पिक होना चाहिए। हर मैच में आपको बंदा स्कोरिंग करके देता है, प्लस जिस भी मैच में ये टिक जाए ना तो आपको 50 से 60 रन आराम से स्कोर करके दे सकता है। एक हार्ड हिटर बैट्समैन है, आपकी टीम में मस्ट हैव होना चाहिए। नेक्स्ट चांस है एल्विन जॉन, आपको रेगुलरली ओपनिंग प्लस दो ओवर की बॉलिंग दे रहा है, तो ये भी आपकी टीम में इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऑलराउंडर प्लेयर है दिया है बैटिंग सेक्शन में। जी सेबास्टियन काफ़ी नीचे बैटिंग करना चाहता है, बकवास प्लेयर है, आराम से ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट चांस है वी पिलाई ठीक ठाक प्लेयर, आपको एक ओवर की बॉलिंग करके देता है, प्लस कुछ बैटिंग से इसके पास एबिलिटी है स्ट्रोक्स लगाने की, ठीक है। लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करके चला गया था, आई थिंक इंजर्ड हो गया था, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको मिनिमम 1 ओवर तो डाल के देने ही वाला है, तो आप लोग जो है इसको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, बिकॉज 2 ओवर कंप्लीट नहीं डल रहा, अदरवाइज मैं इसको स्मॉल लीग में भी ट्राई कर लेता। नेक्स्ट चांस है डी जोस, इसका फुल नेम है डीविन जोस। अब देखो, ये आपके लिए आज के मैच में एक सुपर ट्रम्प कार्ड हो सकता है। उसका रीज़न क्या है, देखो VLS की टीम की बैटिंग बहुत ख़राब है, ठीक है। उनकी टीम में एक भी अच्छा बैट्समैन नहीं है, बैट्समैन एक भी अच्छा नहीं, ठीक है, सारे बकवास है बिल्कुल ही। तो उस केस में यहाँ से डी जोस आपको 2 ओवर की बॉलिंग करके देगा, और भाई एक ठीक ठाक बॉलर है, आपको 2-3 विकेट लेके दे सकता है इस मैच में भी। तो सबसे पहले मैं इसको भी अपनी टीम में ले लूँगा, बिकॉज MSW का बॉलर है। इसके बाकी जो बॉलर्स हैं ना MSW के, वो प्रेशर बनाएंगे। उस केस में डी जोस से बॉलिंग करने आएगा तो VLS के प्लेयर्स प्रेशर को हटाने के चक्कर में हिटिंग करेंगे, उसका एडवांटेज डी जोस को मिलेगा। बंडल्स में आपको विकेट लेके ये बंदा दे सकता है। उसके अलावा एन जोन कुछ खास प्लेयर नहीं है, आराम से ड्रॉप करो। बाकी देखो, नीचे से कोई भी खेल गया, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी हैं ऐसे कुछ, अगर इनमें से कोई भी खेल गया स्टैट्स में आपको सीधा जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग जो है फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, बात कर लेते हैं गिवअवे के पहले क्वेश्चन की। आज के मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कौन सा प्लेयर देने वाला है, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे वीडियो के आगे पूछूंगा, सभी लोग जो है वीडियो में आकर तो बने रहो, और हाँ, वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक भी कर देना। आपके एक एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, प्लस लगता है कि हाँ मेहनत राज ला रही है, ठीक है। बाकी देखो, ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूँ, ए राजन आपको रेगुलरली बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे रहा है, आपकी टीम में ये भी जो है मस्ट है होना चाहिए, भले ही CV से ट्राई मत करना। नेक्स्ट चांस है एस सुकुमारन, एक
अच्छा बैट्समैन है, आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड बैटिंग करके देगा, प्लस आपको दो ओवर की बॉलिंग भी करके देगा, प्रॉपर ऑलराउंडर है, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ से आपको देखिएगा टोनी लुइस। टोनी लुइस आपको जो है दो ओवर की बॉलिंग कर देगा। अब क्योंकि यहाँ से VLH की टीम की बैटिंग लाइनअप बहुत ख़राब है, तो उस केस में आपके लिए टी लुइस एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकता है। इसको भी मैं अभी के लिए अपनी टीम में लेके चलूँगा। नेक्स्ट यहाँ से ए सोमन आपको ओपनिंग कर देगा, प्लस आपको दो ओवर की बॉलिंग देगा, एक विकेट टेकर बॉलर है आपकी टीम में, ये भी जो है एक मस्ट है पिक होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो एम देवासिया को आप लोग ट्राई कर सकते हो, कब जब यहाँ से VLS की टीम पहले बॉलिंग करेगी, उस केस में दो ओवर की तो बॉलिंग करेगा ही है, लेकिन हाँ विकेट लेने की एबिलिटी इसके पास नहीं है, तो अभी के लिए मैं इसको नहीं ले रहा। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की। सिजिल जॉय आपके सबसे पहला पिक होना चाहिए, रेगुलरली हर मैच में आपको विकेट ये बंदा लेकर देता है। नेक्स्ट यहाँ से टी सिल्वन को अपनी टीम में लूँगा, बिकॉज लास्ट मैच में ना दो बॉल इसने जो है डालती थी, सर चार बॉल इसने फेंकी थी, एक ओवर मतलब डाला था और एक ही ओवर में दो विकेट लिए थे, तो कम से कम अगर मुझे एक ओवर भी डाल के दे दे तो आपको अपनी टीम में लेके चलना ही चलना है, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट ए विल्सन एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, आपकी टीम में मस्ट होना चाहिए, क्योंकि भाई देखो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हमेशा से ही एक विकेट टेकर बॉलर होते हैं। बाकी देखो ये जो टीम है ना, मैंने अदर एप्लीकेशन के लिए क्रिएट की है, जिसमें से मैंने 7 प्लेयर MSW के लिए हैं, 4 प्लेयर्स VLS के। अगर आप ड्रीम इलेवन प्ले करते हो तो आप लोग यहाँ से एक चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप लोग टी सेलवन के प्लेस पर के कुमार या एम डिवाइसिया में से किसी एक को ले सकते हो, बिकॉज टी सेलवन के बॉलिंग डालने के चांसेस काफ़ी कम है, उस केस में यहाँ से आप लोग एम डिवाइसिया को ले सकते हो, बिकॉज एम डिवाइसिया की बॉलिंग हर मैच में दो ओवर जो है बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो ड्रीम इलेवन के लिए एम डिवाइसिया, अदर एप्लीकेशन के लिए टी सेलवन। तो अभी मैं टी सेलवन के साथ ही जा रहा हूँ। बाकी देखो ये रही मेरी टीम, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूँ, तो कैप्टनसी में इस मैच में रिस्क लेने वाला हूँ ए सोमन पर। ए सोमन आपको ओपनिंग कर देगा, प्लस दो ओवर की बॉलिंग करता है, इसके पास पेस काफ़ी अच्छी है, उसका फ़ायदा ये उठा सकता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ से VLS की टीम की बैटिंग बकवास है, तो आपको दो तीन विकेट भी ये बंदा लेके दे सकता है। वाइस कैप्टन एस सुकुमारन अच्छा प्लेयर है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई CVC के बेस्ट ऑप्शन होने वाला है इस मैच में। तो देखो भाई ये टीम जो है ना मेरी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब देखो ये टीम है मेरी इनिशियल टीम है, बिकॉज आपको भी पता है अभी जो है टॉस और लाइनअप कुछ भी नहीं हुआ, और बिना टॉस और लाइनअप को फाइनल टीम बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो जब मेरी फाइनल टीम होगी आपको टॉस और लाइनअप आने के बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फ्री टीम्स हम प्रोवाइड करते हैं सारे मैचेस की। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, उससे पहले बात कर लेते हैं गिव अवे सेकंड क्वेश्चन की। तो आज के मैच में सबसे कम पॉइंट्स कौन सा प्लेयर देने वाला है? अब देखो मान लो दो तीन प्लेयर ऐसे होंगे जिनका सेम पॉइंट होगा, मान लो कोई -2 चला गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे जो कम देगा ना -2, मान लो तीन प्लेयर आ गए तो उसमें से भी सबसे नीचे वाले का आपको आंसर देना है, ठीक है, ये बात है। और जिसका भी आंसर सही होता है इन दोनों क्वेश्चन का, वो बंदा गिव अवे का विनर बन जाएगा। तो इसी के साथ भैया देखो वीडियो का हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, एंड करते हैं वीडियो में। आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो पहली बार हमारी वीडियोस को वॉच कर दो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जिससे फ्यूचर में आने वाले न्यू और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।